कल मध्यरात्रि से ही मणिपुर के 6 छात्र संगठनों ने राज्य में 48 घंटे के आम हड़ताल का आह्वान किया है। ये 6 संगठन हैं ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर, कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स यूनियन कांगलेपाक और अपुनबा इमागी माहेरोय सिंगपांगलूप। इन संगठनों ने मणिपुर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों की बगैर शर्त और फौरन रिहाई की मांग की है। साथ ही एक तरफ 16 अगस्त 2018 को राज्य सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच हुए समझौते का अनुपालन करने और दूसरी तरफ मूसू मूटा और मूसा के साथ हुए समझौते का अनुपालन करने की मांग की है। 48 घंटे के आम हड़ताल की वजह से राज्य में खासतौर से घाटियों में आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापार वाणिज्य आदि पूरी तरह ठप है। बंद के पहले दिन किसी भी अप्रिय परिस्थिति से बचने के लिए शहर में सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय का कुलपति यानी प्रोफेसर अध्याप प्रसाद पांडे को उसके वाइस चांसलर के पद से हटाने की मांग से लेकर आज तक मणिपुर विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल बन चुका था कि यहाँ पर पढ़ने लिखने के लायक नहीं रहा। आपको देखा होगा आज मणिपुर में रहने वाला 6 छात्र संगठनों ने 48 घंटों के लिए यहाँ पर जनरल स्ट्राइक लगा चुका है। यस्टरडे वी हैव लर्न सम सर्विस ऑफ कोर्स दे आर ऑपरेटिंग बट नॉट अप टू द मार्क। Many of the things, you know, as you can see, the roads mostly they are half empty or in many areas they are empty. That I'm just waiting for a report from the concerned DTOs. Since we have already notified, we will take some action. Okay, this action may lead to suspension of a permit, even to the cancellation of registration and permits. That we'll be doing it once we get a report from the DTOs concerned. अभयनगर में स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में कल विद्यार्थियों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा से छात्रों का एक गुट राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में हड़ताल करने जा रहा था। विद्यार्थियों का आरोप है कि उड़ीसा के 2 शिक्षक कैंपस में विद्यार्थियों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और त्रिपुरा के ये विद्यार्थी इन शिक्षकों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा से आए विद्यार्थी इस मांग का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते कल शाम विद्यार्थियों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इधर उड़ीसा के इन शिक्षकों का आरोप है कि त्रिपुरा के विद्यार्थी उनसे बदसलूकी करते हैं। आखिरकार पुलिस को आकर परिस्थिति को काबू में करना पड़ा। গত 9 দিন হয়ে গেছে এখানে আন্দোলনরত, মানে আন্দোলনের মুখ্য বিষয় হচ্ছে 3 শিক্ষক, তারা প্রতিনিয়ত এই কলেজের মধ্যে জাতিবাদ ক্ষেত্রবাদের মানে উৎপত্তি করছে। তাদের উড়িষ্যা থেকে যারা স্টুডেন্টরা আসছে ওই স্টুডেন্টদেরকে তারা প্রোৎসাহন দিচ্ছে, তারা যা অন্যায় করছে সব সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের, আর আমাদের দমিয়ে রাখছে। আমাদের বলছে যে কিছু হলে টিসি দিয়ে বের করে দেব, তোমরা ত্রিপুরারা গাধা, তোমরা ত্রিপুরার মানে বাসীর কোনো দিমাগ নাই, এরকম এরকম মানে মন্তব্য করে বলছে কিছু হলে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেবো টিসি দিয়ে। এভাবে আমাদেরকে মানে দমিয়ে রাখা হতো। ऑल नागालैंड एडहॉक टीचर्स ग्रुप 2015 बैच अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग में कई महीनों से हड़ताल का सहारा ले रहा है। साल 2015 में 1166 एडहॉक शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति दी गई थी और प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6,700 रुपए तथा स्नातकधारी शिक्षकों के लिए 8,400 रुपए का फिक्स वेतन निर्धारित किया गया था। कल स्कूली शिक्षा सलाहकार केटी सुखालू, मुख्य सचिव और विभाग के अन्य अधिकारियों समेत ऑल नागालैंड एडहॉक टीचर्स ग्रुप के सदस्यों और कानूनी सलाहकारों के बीच इस संबंध में गंभीर रूप से चर्चा की गई। इस दौरान सुखालू ने कहा कि कोर्ट ने किसी भी प्रकार की नियुक्ति या नियमीकरण पर रोक लगा रखी है, इसलिए सरकार 2015 बैच के एडहॉक शिक्षकों की नौकरी नियमित करने में असमर्थ है। It was quite surprising, and I was just having a brief look at the order. I don't know whether they had all the PNR and finance clearance. Mm-hmm. But anyway, that perhaps I'll brief this to the cabinet also. Yeah, because if there is a standing order about the blanket ban, then that shouldn't have been made. True, true. We'll look into it. We have waited for this meeting to happen for the past 4-5 days, because it was on the 21st. When we took on the streets, that we were offered to sit across the table and then, you know, solve the matters amicably, but nothing of such that has happened. Moreover, we were also expecting that, you know, the meeting would focus more on regularization, and then what are the difficulties that they are facing to regularize us. Mm-hmm.
गोमती जिले के अमरपुर सब डिवीजन के अंतर्गत रंगामाटी गांव में एक महिला की कुछ लोगों ने सरेआम पिटाई कर दी और उसे पेड़ से बांध दिया। गांव वालों ने महिला पर एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर उस पर बर्बर अत्याचार किया। केवल पेड़ से बांधकर ही लोग संतुष्ट नहीं हुए बल्कि उन्होंने उसके चेहरे पर कालिख भी पोत दी। बाद में गांव वालों ने पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक महिला के साथ बदसलूकी करने के इस अपराध में गांव के कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। इधर पुलिस ने अब तक मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और गांव वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।